Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 9th August of 2020 and it's a Sunday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। और हर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताने की क्या कहते हैं बताया करें। क्या कहते हैं आप अपना क्या कहते हैं कोई भी आपको सजेशन हो वीडियो के लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज पहला क्वेश्चन पूछते हैं। जो EIA है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो किस एक्ट के द्वारा बैक्ड किया जाता है, कौन सा एक्ट उसे बैक करता है, ये आपको बताना है। एक्ट का नाम बताना है, EIA का कौन सा एक्ट है जो उसे बैक करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम वॉरियर्स जो बुक है उसके ऑथर कौन है, एग्ज़ाम वॉरियर्स जो बुक है उसके ऑथर कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऑथर का नाम। तीसरा क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके कितने मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चौथा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन चारों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इन पे के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और जो आप ना क्या कहते हैं आप सर गूगल सर्च भी कर सकते हैं, जो इन आंसर्स का आप खोजना हो आप, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी याद करने में। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, जीसी मुर्मू जो है उनको नया सीएजी बनाया गया जम्मू कश्मीर के। पहले वो एलजी थे, जम्मू कश्मीर के एलजी जी जो थे गिरीश चंद मुर्मू, अब उनको सीएजी बना दिया गया है। क्या कहते हैं तो हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट आता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको हम लोग अलग से देखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से कर सकते हैं। सी ए जी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो वर्क करती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स्यू के हेड होते हैं। क्या कहते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। सीएजी डराइव इट्स ऑडिट मैंडेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्या कहते हैं ये कई तरह से अपने ऑडिट निकालते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होते हैं तो उन पावर के द्वारा ये ऑडिट करते हैं, और एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कोई भी जो एक्सपेंडिचर होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के द्वारा या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से तो उस पर ये ऑडिट करते हैं कि कितना खर्च हुआ कैसे खर्च हुआ। ये ऑडिट ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स भी देखते हैं। ही ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज, ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ये किसी और बॉडी को भी लोकल बॉडी को भी ऑडिट कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको रिक्वेस्ट करें। ये एडवाइस भी करते हैं प्रेसिडेंट को कि किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन हो चाहिए क्या कहते हैं अकाउंट्स में जो सेंटर स्टेट्स में, उस पर भी ये अपना देते हैं। सीएजी आल्सो एक्ट्स एज गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पार्लियामेंट की उसके लिए भी एक एज अ फ्रेंड या गाइड या फिलोसोफर मान सकते हैं उनका, एज अ वर्क करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पीएसी इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्रिएटेड अंडर जीओआई एक्ट 1919, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसके द्वारा इसे बनाया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये जो पब्लिक जो सीएजी होते हैं वो सारे रिपोर्ट पीएसी को देते हैं सेंटर या स्टेट की, वो चेक करता है। एट द सेंट्रल लेवल दीज रिपोर्टेड आर रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीएजी टू प्रेसिडेंट हु मेक्स देम टू बी लेड इन पार्लियामेंट, ये सीएजी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं जो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है। सीएजी पोजीशन इन सम टाइम वन ऑफ इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर एक्सप्लेनिंग द ऑफिशियल व्यूज टू द पॉलिटिशियन वाइस वर्सा, कभी कभी इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर के रूप में भी वर्क करते हैं सीएजी, कि ऑफिशियल व्यूज़ जो होते हैं किसी भी डिसीजन के वो बताते हैं पॉलिटिशियंस को, और कभी पॉलिटिशियंस का भी व्यू सुनते हैं किसी भी जो डिसीजन लिया गया हो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, केरला क्रैश टोल हिट्स 18 प्रो बिगिंस, कि अभी भी कहते खोज जारी है, जो एक्सीडेंट हुआ है कलिकट एयरपोर्ट पर तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था, वो काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए उस इंसिडेंट में। क्या कहते हैं उनके पायलट ने तो काफ़ी लोगों की जान बचाई इस तरह से, लेकिन तब भी काफ़ी लोग की डेथ हुई है और काफ़ी लोग इंजर्ड भी है, तो काफ़ी सोचने की बात है ऐसा क्यों हुआ है। अगली न्यूज़ आती है, IMA फ्लैग्स डेथ ऑफ 196 डॉक्टर्स टू PM, कि IMA ने फ्लैग किया है, IMA क्या कहते हैं इसने फ्लैग किया है डेथ ऑफ 196 डॉक्टर्स टू PM। इसमें न्यूज़ में बताया गया क्लोज 200 डॉक्टर्स द मेजोरिटी ऑफ देम जनरल प्रैक्टिशनर जो थे उन्होंने कोविड-19 के कारण अगस्त 7 तक डेथ कहते हैं उनको मिल गई है, वो सब डेथ कहते हैं मर चुके हैं,
इसीलिए ये रिपोर्ट भेजी गई है प्राइम मिनिस्टर को कि अर्जेंटली इंश्योर दैट दोस एट रिस्क हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज एट लीस्ट गेट एश्योर्ड ट्रीटमेंट व्हेन इन्फेक्टेड। इसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में आईएमए ने कहा है पीएमसी कि जो अब कोई भी हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो और भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उनको और उनकी फैमिलीज़ को अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उन्हें अर्जेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग दूसरों के लिए ही वर्क कर रहे हैं तभी इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा उसमें उन्होंने कहा है। इंपॉर्टेंट आता है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स और मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। ये बनाया गया था 1928 में और इस वक्त लगभग 1 लाख मेंबर्स हैं इसके। ये एक ओनली रिप्रेजेंटेटिव नेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स का, मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जो क्या कहते हैं वेल बींग ऑफ डॉक्टर्स के लिए वर्क करता है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये 1946 हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बॉडी नेमली वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, जैसे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है उसकी हेल्प करने के लिए भी वर्क किया गया था 1946 के समय। इट होस्टेड द 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन, इन्होंने 3 मेडिकल एजुकेशन के लिए जो कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उसको भी होस्ट किया है। इस वक्त आई एम इज़ वेल्ड इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन विद द हेड क्वार्टर एट दिल्ली, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में, और जो स्टेट्स एंड टेरिटरी ब्रांचेस है वो 29 स्टेट्स में और हर यूनियन टेरिटरी में इसके ब्रांचेस हैं। चलिए अगली न्यूज़ आती है इडुक्की लैंड स्लिप 8 मोर बॉडीज़ फाउंड, कि इडुक्की जो लैंड स्लिप हुआ है जो क्या कहते हैं नेचुरल कैलमिटी था जिसमें 26 लोग मरे हैं और लगभग अभी भी 44 लोग मिसिंग आ रहे हैं, तो उसमें ये क्या कहा गया कि 8 और बॉडी फाउंड हुई है कल, जितनी थी उनमें से 8 बॉडी और कल फाउंड हुई है। डेथ क्या कहते हैं उसके बारे में बताया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है लैंड स्लिप जानने के लिए कि लैंड स्लिप होता क्या है, लैंड स्लिप होता कैसे है हम लोग पूरा देख लेते हैं। लैंड स्लिप एक डिफाइंड होता है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन ए स्लोप, कि जब कोई भी रॉक या डेब्रिस अर्थ का कोई भी पार्ट कोई भी माउंटेन या स्लोप में क्या कहते हैं गिरने लगता है तो उसे लैंड स्लिप कहते हैं। इस सेवरल थिंग्स कैन ट्रिगर लैंड स्लाइड जैसे स्लो वेदरिंग ऑफ रॉक्स या सॉइल इरोजन या अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, ये कोई भी चीज़ क्या कहते हैं लैंड स्लाइड्स को क्या कहते हैं इमर्ज करवा सकती है। इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे देखिए ये फोटो में आप देख सकते हैं ये पार्ट था इसमें पहले जुड़ा होगा ये पार्ट, लेकिन जब लैंड स्लाइड हुआ तो ये गिरने लगा धीरे धीरे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगा, तो इसे कहते हैं लैंड स्लाइड। पहले ये इसमें जुड़ा था धीरे धीरे करके ब्रेक हुआ, ब्रेक होके फिर गिरने लगा, इसे कहते हैं लैंड स्लाइड। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सुशांत डेथ केस, ईडी क्वेश्चंस दियाज ब्रदर, कहते हैं जो सुशांत डेथ केस था इसमें कंटेस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज़ का, इसमें इंपॉर्टेंट था ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इंपॉर्टेंट इसे हमें अलग से देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सीबीआई, हम लोग कई बार सीबीआई भी बात कर चुके हैं, आज ही बात करेंगे इस पर। आप बस ये बताइए कि सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए हम लोग ईडी को देख लेते हैं। ईडी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया, इकोनॉमिक क्राइम जो इंडिया में हो रहा है उसको कैंसर फाइट करने के लिए उसके खिलाफ वर्क करती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है, एक पार्ट है उसका। इसमें कई ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी वर्क करते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था डायरेक्टरेट का 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से, लेकिन फिर 1947 के बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ 1947, उसके बाद 1957 में इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम रख दिया गया। इसमें कंपोजिशन में कई ऑफिसर्स आते हैं जैसे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स, पुलिस डेपुटेशन पे, ये सब ऑफिसर्स इसमें वर्क करने आते हैं। इसमें एक पीएमएलए कोड भी होती है, जो पीएमएलए कोड होती है उसका कोई भी डॉसर जो कोई भी ऑर्डर पास होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। यदि इस कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा एक्शन होते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के द्वारा भी वर्क करती है। इसमें सारे कोई भी प्रोसेसिंग केस होते हैं इंडिया में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट के द्वारा सारे केस में पीएमएलए कोर्ट डिसीजन दे सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ आती है एनजीटी डायरेक्ट डीडीए टू एक्ट अगेंस्ट पॉल्यूशन इन लेक, कि एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया डीडीए को कि वो
जो पॉल्यूशन हो रहा है लेक में उसके खिलाफ वर्क करे, देखे कि जल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि वर्क करे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो फैक्ट्रीज वेस्ट से हो रहा है और जो सिटीज वेस्ट से हो रहा है, उसको देखे और उसके खिलाफ वर्क करने के लिए वर्क करे। चलिए देख लेते हैं एनजीटी। हम लोग अलग से, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा अपॉइंट बना था 2010 में। ये सिविल इन्वायरमेंटल कोर्ट है जो इन्वायरमेंटल मैटर्स और क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए वर्क करता है। ये सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स पर पूरे डिसीजन लेने के लिए पावर होती है इसके पास। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करता है। इसमें एक चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं इसमें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्ट करके अपॉइंट किए जाते हैं। सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है जो जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर जो होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए होती है। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल या एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके जो पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन है वो 7 लॉज के अंदर वर्क करते हैं सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स में। ये 7 लॉज ये हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं इन पर, आप इन्हें पढ़ सकते हैं एक बार अगर चाहें तो। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सीआईडी फाइल्स थर्ड चार्जशीट इन पालागढ़ लिंचिंग केस। कि जो पालागढ़ इंसिडेंट हुआ था, जो के जो अभी जो साधु लोग मरे थे, उन पर सीआईडी अब फाइल करेगी थर्ड चार्जशीट, ऐसे इसमें कहा है। इस पर इंपॉर्टेंट आता है सीआईडी, हम लोग अलग से इसे देख लेते हैं। सीआईडी को क्या होता है सीआईडी? सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये एक इन्वेस्टिगेशन सब डिविजन है ब्रांच क्राइम का, जो इंडियन स्टेट पुलिस का। ये एक यूनिट है पुलिस डिपार्टमेंट की, जो एडीजी जो होते हैं, एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल, उनके द्वारा ये वर्क करते हैं। ये सीआईडी हेड, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पुणे में है। और गवर्नमेंट हैंडल स्पेसिफिक केसेस हैंडल्ड ओवर द इंडियन गवर्नमेंट एंड डीजीपी, जो स्पेशल केसेस पर ये वर्क करते हैं। इन 1929 दिस पुलिस फोर्स वॉज स्प्लिट इनटू टू स्पेशल यूनिट्स। इसके दो स्पेशल यूनिट्स डिवाइड हुए थे, क्राइम ब्रांच सीआईडी डिवीजन। एक क्राइम ब्रांच सीआईडी जो है वो स्पेशल सीआईडी डिपार्टमेंट है, वो एडीजीपी के द्वारा हेडेड होता है और गाइड किया जाता है आईजीपी के द्वारा। जो दिस डिवीजन एनालाइजेस सीरियस ऑफेंसेस दैट इंक्लूड मर्डर, कोई भी मर्डर का केस हो, फ्रॉडरी काउंटरफिटिंग केसेस हैंडेड ओवर बाय द हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये हाई कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सीआईडी को केसेस की, इन तरह के केसेस, मर्डर या रेड जैसे केसेस अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला है वर्ल्ड ट्राइबल डे। ये हमने पूछा था शुरू में, आज है 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को यह इंटरनेशनल डे ऑफ क्या कहते हैं इंडिजिनस पीपल के लिए भी ये माना जाता है। इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हमने देखना है कि शुरू में किसने सही सही जवाब दिया है। चलिए देख लेते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे के बारे में थोड़ा। वर्ल्ड ट्राइबल डे ये प्रमोट करता है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड की इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है। एक्नोलॉजिंग द कंट्रीब्यूशन दैट इंडिजिनस पीपल मेक टुवर्ड्स वर्ल्ड इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कि जो इंडिजिनस पीपल होते हैं जो वर्क करते हैं वर्ल्ड इश्यूज़ के लिए, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे वर्क के लिए जो वर्क करते हैं उनके लिए मनाया जाता है। एवरी ईयर अगस्त 9 इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। ये इंटरनेशनल डे है ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के लिए मनाया जाता है, या वर्ल्ड ट्राइबल डे आप कह सकते हैं। द डेट रिकॉग्नाइजेज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पीपल पॉपुलेशन जनेवा 1982। ये जब 1982 को पहली मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए जनेवा में, उसके इसी के द्वारा इसे उस दिन वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाने लगे। वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पॉपुलेशन। कि ये वही कि इंडिजिनस पॉपुलेशन जो हमारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी राइट्स को देखने के लिए सही से उनके राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं, इसलिए ये वर्क मेनली करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, WHO ऑफिशियल वॉर्न्स अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म। क्या कहते हैं, WHO के ऑफिशियल्स ने कहा, इस न्यूज़ में बताया गया कि जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री जैसे कोई भी कंट्री है तो उसने वैक्सीन बना लिया, तो वो चाहता है कि उसके वह लोगों को पहले मिले, उसके लोगों को पहले मिले वो वैक्सीन, जिससे उसके लोग सही हो जाए पहले, और बाकी किसी देश को नहीं देना चाहता कि वहाँ के लोग सही हो, उनको बाद में दे जब उसके यहाँ सब लोग सही हो सके, फिर ऐसा कहते हैं वैक्सीन नेशनलाइजेशन देखने को मिला है हर जगह। इसमें इम्पोर्टेंट आता है WHO। चलिए हम लोग WHO को अलग से देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है हेल्थ के लिए। इसे 1948 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इसमें 194 मेंबर स्टेट है, 150 कंट्री ऑफिस है और 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है कोलेब्रेशन करके मेंबर स्टेट्स के साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के। क्या कहते हैं इसका, ये प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा। ये ग्लोबल हेल्थ मैटर्स जो है उन पर वर्क करने के लिए वर्क करता है। इसकी फंक्शनिंग चालू हुई थी अप्रैल 7, 1948 में, इसलिए यह डेट नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। इसलिए 7 अप्रैल 1948 से ही 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, कि एक इंटरनेशनल हेल्थ वर्क में जो एक अथॉरिटी होनी चाहिए उसके लिए वर्क करता है। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन, की एक इफेक्टिव कोलेब्रेशन रहे यूनाइटेड नेशन के साथ। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स, की जो और भी गवर्नमेंट्स के मेंबर स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए वर्क करने के लिए इसके कई मेंबर हैं। हेल्थ असेंबली जो है इसमें कई मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। द हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस करती है पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की है WHO की। ये फाइनेंशियल पॉलिसीज देखती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो बजट है वो किसी भी देश को प्रोवाइड करने के लिए। इट रिपोर्ट्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन अकॉर्डिंग विद एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। कोई भी एग्रीमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के बीच में, उसके लिए भी ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए रूप में वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ आती है, सर्वल सेफ्टी स्टेप इम्प्लीमेंटेड DGCA चीफ। DGCA चीफ ने कहा है, कहते हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके चीफ ने कहा है कि जो 8,000 फीट की लेंथ है दोनों रनवेज के बीच में वो काफ़ी सही है। कोई भी नैरो वाइड बॉडीड हो या वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट हो वो उससे पास हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है DGCA। DGCA क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। DGCA डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टैचुरी बॉडी है जो अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 द्वारा बनाई गई है। क्या कहते हैं, दिस डायरेक्टर इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, कोई भी जो एविएशन एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर सर एरोबिंदो मार्ग अपोजिट सत्यम एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के में है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद द सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसको रिप्लेस करने के लिए DGCA को बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स पे बनाया गया, जो उसके मॉडल्स हैं अमेरिका के अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके मॉडल पे इसे बनाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, एज फ्लड वाटर्स एब इन आसाम हंटर्स किल राइनो फॉर ऑन। कहते हैं जैसे हमने देखा ही है कि 50%, क्या कहते हैं आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे 50% में पानी भरा हुआ है, तो इस वक्त जो हंटर्स हैं वो राइनो को किल कर रहे हैं उनके हॉर्न्स के लिए। वो जो और आप सब जो जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, तो वहाँ पे हंटर्स जो है उनको किल कर रहे हैं राइनोसोरस को हॉर्न्स के लिए। उनके काफ़ी ज़्यादा कहते हैं स्मगलिंग होती है उनके हॉर्न्स की। चलिए देख लेते हैं हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्प्रेड है, इसमें एलिफेंट ग्रास मेडोज है, स्वैम्पी लैगून्स और डेंस फॉरेस्ट है, और लगभग 2200 इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर भी है। अप्रोक्सीमेटली 2/3 पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है राइनोसोर की वो वहाँ पे है। इसे 1908 में बनाया गया था मैरी कर्जन के रिकमेंडेशन में। ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो गोलाघाट नगाउँ डिस्ट्रिक्ट आसाम की उसके पास ये लोकेटेड है। 1985 में पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया यूनेस्को के द्वारा। वहाँ के जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है, वो वहीं पे मैक्सिमम पाए जाते हैं। वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी थी काजीरंगा में, इसलिए 2006 में उसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया कि वहाँ के टाइगर भी सेफ हैं। द पार्क हैज सक्सेसफुली मैनेज टू ग्रो द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स एंड इंडेंजर स्पीशीज, जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है जो एक इंडेंजर स्पीशीज है उसके भी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी उन्होंने वर्क किया है, कि वहाँ पे वो इसीलिए फेमस है। चलिए देख लेते हैं एशियन वन हॉर्न राइनोसोर्स के बारे में। ये इन्हें ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स भी कहा जाता है और एशियन वन हॉर्न राइनोसोर्स ये राइनोसेरोटेराइड फैमिली के पार्ट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही मैक्सिमम पाए जाते हैं और प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ तराई ऑफ नेपाल में भी। इनका वेट 2260 से लेकर 3000 किलो तक होता है। ये फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल और सिंगल हॉर्न के जो है। दीज राइनोसोर्स कैन रन एट स्पीड ऑफ अप टू 55 किलोमीटर पर आवर।
ये काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं, 55 किलोमीटर पर आवर शॉर्ट पीरियड टाइम, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तक ये नहीं दौड़ सकते। ये काफ़ी अच्छे स्विमर भी होते हैं, उनकी हियरिंग और स्मेल की क्वाल क्या कहते हैं, बहुत अच्छे सेंस होते हैं। ये बहुत अच्छा स्मेल और सूंघ सकते हैं, क्या कहते हैं सूंघ और क्या कहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन इनकी पुअर आई साइट होती है। ये देखने में, ये दूर की चीज़ें देखने में बहुत इनको दिक्कत होती है, इसलिए इनकी हंटिंग करना लोग आसान समझते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं आज का हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या निकला है। पहली न्यूज़ निकली है एसिम्प्टोटिक पीपल टू कैरी हाई वायरल लोड्स, कि जैसे हमने देखा कि एसिम्प्टोटिक जो पीपल हैं जिनके पास माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस क्या कहते हैं वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे हैं कोरोना के, क्योंकि ये जो उनको पता नहीं चलता कि हमें कोरोना है, वो फैलता रहता है फैलता रहता है, लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते, तो कोई चेक कराता नहीं, चेक नहीं कराता तो ये स्प्रेड होता जाता है वायरस, इसीलिए इतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है वायरस, ऐसा इस पूरी न्यूज़ में बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, आईसी मार्स, इसमें बताया गया है न्यू रिसर्च जो हुई है मार्स पे, उसमें पता चला है कि लार्ज नंबर ऑफ वैलीज जो हैं वहाँ पे कार्व्ड ऑन द फेस ऑफ द रेड प्लैनेट वर ड्यू टू मेल्ट वाटर रनिंग बीनीथ आइस शीट्स, जो मेल्ट वाटर होता है आइस शीट्स पे, उसके द्वारा ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसके सरफेस में ऐसा है, ऐसा जो एक नेचर की उसमें फाइंड नेचर जियोसेन जो है उसके एक थ्योरी बताई गई है, उसमें कहा गया मार्स वॉज वॉर्म एंड वेट इन एंशियंट टाइम, मार्स पहले बहुत ज़्यादा गर्म था और क्या कहते हैं वेट भी था, वहाँ पे गीला भी था। द रिसर्चर्स कंपेयर मार्स विद सबलेजियल चैनल्स इन कैनेडियन एयरफील्ड को, मार्स के जो केगो को सबलेजियल चैनल जो है जो कैनेडियन एयरफील्ड के उससे कंपेयर किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगली न्यूज़ आती है वैनिशिंग शार्क्स, इसमें बताया गया है कि स्टडी ऑफ 371 रीफ्स में 58 कंट्रीज को रिसर्च की गई, उसमें पाया गया कि फंक्शनली एक्सटिंक्ट इन नियरली वन आउट ऑफ एवरी 5 रीफ फॉर स्टडी, कि जो फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं कई 5 जो रीफ्स थे उनमें से वन ऐसे हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा कहा गया इसमें कि 20% ऑफ द सर्वेड रीफ्स जो हैं बताती है कि द फर्स्ट एवर वन ऑफ द शार्क्स ऑन कोरल रीफ्स कैन गाइड लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग रीफ शार्क्स, कि रीफ शार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिमेनिंग वर्क कर रहे हैं इस वक्त। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग, अगली न्यूज़ आती है सन्स कोरोना मैग्नेटिक फील्ड मेजर्स, ये जो सन्स की जो कोई भी सन होता है, जैसे सन है उस सभी आप जानते हैं कि उसका जो इन उसका सरफेस है वो उतना वार्म नहीं है, लेकिन उसका जो उसका एरिया जो ऑरा है जो उसकी फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इसीलिए उसके पास तक कोई भी नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका जो ऑरा है या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसीलिए उसके पास तक कोई नहीं जा पाता, तो उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसे मेजर कर लिया गया। देख लेते क्या है इस न्यूज़ में, इसमें बताया गया द ग्लोबल हैज मेजर्ड द ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन्स कोरोना और आउटर एटमोसफेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस रिसर्च हैज बीन पब्लिश इन द जनरल साइंस, साइंस के जो जर्नल्स में पब्लिश किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सन्स की उसे उसका जो कोरोना है या आउटर एटमोसफेयर उसे मेजर कर लिया गया है। ये इतना ज़्यादा क्या दिक्कत है सन में, इसमें पहला है कि पहली कंडीशन है कि फर्स्ट इज द कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम, कि पहली प्रॉब्लम है कि वहाँ की कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम, जो सन का आउटर टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, उसको जो इनर है वो इतना ज़्यादा कहते हैं वार्म नहीं है, जो उसका आउटर है काफ़ी ज़्यादा वार्म है। इसमें वही बताइए इट्स कोरोना आउटर एटमोसफेयर विच स्ट्रेचेज अप टू सेवरल मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड इट्स सर्फेस इज मच मच हॉटर देन द सर्फेस, इसका काफ़ी ज़्यादा हॉट है वो, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें अदर क्वेश्चन अराइज होता है, अदर सेट ऑफ क्वेश्चन कंसर्न द मैकेनिज्म ऑफ एरप्शन ऑफ द सन, कि जैसे इंसिडेंट होते हैं सोलर फ्लेयर्स हो गया या कोरोनल मास इजेक्शन, आपका कमेंट सेक्शन बताएंगे कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है और सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, या आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसमें बताया गया कि जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन है जो सन्स कोरोना में होता है उसको मेजर कर लिया गया है, मैग्नेटिक जो फील्ड है सन की उसे मेजर कर लिया गया। इसमें बताया गया द टीम यूज द टेक्निक नोन एज कोरोनल सीस्मोलॉजी, एक टेक्निक होती है कोरोनल सीस्मोलॉजी या उसे कह सकते हैं मैग्नेटो सीस्मोलॉजी, जो कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड जो जो बाहर का एरिया आउटर सर्फेस सन का उससे मेजर कर लिया गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड को, दिस मेथड रिक्वायर्स द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक वेव्स जो होती हैं उसको मेजर करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर लिया गया।
द टीम यूज द इम्प्रूव मेजरमेंट्स ऑफ द कोरोना मल्टी चैनल पोलरिमीटर सीएमपी एंड एडवांस डाटा एनालिसिस टू मेजर द कोरोना मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं, ये लोकेटेड है मौना लोआ सोल ऑब्जर्वेटरी में, जो समिट है वोल्केनो ऑन द बिग आइलैंड ऑफ हवाई के है, जहाँ पे ये हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी है यूएस की, वहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ आती है FAQ की, हाउ कैन टेबल टॉप एयरपोर्ट भी सेफ है। जो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं वो कैसे सेफ हो सकते हैं, इसमें बताया गया व्हाट इज टेबल एयरपोर्ट। ये टेबल टॉप एयरपोर्ट होते क्या हैं, ये एयरपोर्ट होते हैं जो लोकेटेड या बिल्ट होते हैं टॉप ऑफ द प्लेटी और हिली सर्फेस पे, जो लोकेटेड होते हैं एयरपोर्ट्स उन्हें टेबल टॉप एयरपोर्ट्स कहा जाता है। विथ वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे ओवर लुकिंग ए ड्रॉप, कि एक तरफ या दोनों तरफ के जो रनवेज होते हैं वो ड्रॉप की तरफ दिखाई देते हैं। द एयरपोर्ट्स इन द कंट्री विच काउंट आर टेबल टॉप्स, जो एयरपोर्ट्स हैं जो टेबल टॉप्स कहे जा सकते हैं वो हैं ये लेंगुई मिजोरम में जो है, शिमला कुल्लू का, हिमाचल प्रदेश, पैंगोंग सिक्किम का, बेंगलुरु कर्नाटका, और जो कोझिकोड है या कन्नूर है केरला का। यहाँ पे जैसे हमने कुछ साल पहले मैंगलुरु में क्या कहते हैं इंसिडेंट हुआ था, क्या कहते हैं वहाँ पे भी रनवे में इंसिडेंट होता था, और इस बार हुआ है कोझिकोड में। तो सोचने की बात है कि टेबल टॉप में ही क्यों होता है, क्योंकि वहाँ हिली एरियाज में होते हैं और ड्रॉप में लैंडिंग के समय दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए भी एक हो सकता है। इसमें वही बताया गया व्हाट वर द रिकमेंडेशन मेड आफ्टर मैंगलोर क्रैश, जब मैंगलुरु क्रैश हुआ था 2010 में, उसके बाद कई क्या कहते हैं रिकमेंडेशन किए गए कि चेंजेस आने चाहिए टेबल टॉप वाले में, और कई सेफ्टी मेजर्स लेने की बात की गई थी, इसमें वही बात की गई, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ आती है पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कि जैसे हमने देखा कि हर कंट्री, नेपाल हो गई वो उत्तराखंड का एरिया अपने अंदर लेने चाहती है कि वो उसके अंदर आता है, तो इस तरह ही पाकिस्तान ने भी जो नया अपना मैप निकाला है, हम बात कर चुके हैं इस पर कि उसमें जो पॉलिटिकल मैप नया पाकिस्तान का निकाला है उसमें कई जो एरिया है उन्होंने, वो पहले कहते थे कि सिर्फ उनका जम्मू है, उनका कश्मीर उनका नहीं है, सिर्फ जम्मू है, लेकिन उन्होंने इस बार जम्मू एंड कश्मीर दोनों को अपने अंदर माना है, और क्या कहते हैं जो लद्दाख का एरिया वो उन्होंने कहा है वो उनके अंदर नहीं आता, उनको कहा है वो उनके अंदर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख पार्ट छोड़ के पूरा कहा है कि उन्होंने कि उनके अंदर आता है। इसमें वही कहा गया जूनागढ़ और जो मानवदर है, प्रिंसली स्टेट्स हैं और टेरिटरी है वो जो प्रेजेंट है गुजरात में, उसे भी उन्होंने अपने अंदर माना है। इसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंटायर टेरिटरी एंड वाटर बॉडीज दैट फॉल इन द सर क्रीक रीजन इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो सर क्रीक रीजन में पड़ती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर क्रीक रीजन कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर क्रीक रीजन कौन सा है, वो जो पड़ती है वहाँ पे रिवर्स, वो उनको अपने अंदर माना है कि वो पाकिस्तान के अंदर आती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या कहते हैं, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आंसर्स, और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।